नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम जानेंगे कि शलजम यानी शलगम खाने के क्या फ़ायदे हैं। शलजम यानी शलगम बहुत कम कैलोरी वाली सब्जी है। इसे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद वाइटामिन सी शरीर के लिए ज़रूरी और शक्तिशाली घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसका सेवन शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हानिकारक फ्री रेडिकल्स, कैंसर और सूजन से शरीर की रक्षा करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शलगम की सब्जी किसी भी तरह के रोगियों को बिना किसी डर के सेवन कराई जा सकती है। दस्त में राहत, कच्चे शलगम को खाने से दस्त आना बंद हो जाता है। पोषक तत्वों का भंडार, शलगम वास्तव में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का भंडार भी है। शलगम के मुकाबले इसकी जड़ों में कई गुना ज़्यादा मिनरल और वाइटामिन्स होते हैं। ये वाइटामिन्स ए, वाइटामिन सी, कैरोटीनॉइड और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा इसके पत्ते वाइटामिन्स के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही ये कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स के भी बेहतरीन स्रोत हैं। एडी का फटना, शलगम को उबाल कर इसके पानी से फटी हुई एड़ियों को धोकर उसके बाद उन पर शलगम रगड़ें। रात के समय इसका इस्तेमाल करके फटी हुई एड़ियों पर साफ कपड़ा लपेट लें। इसके प्रयोग से फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दमा, खांसी और गला का बैठना, शलगम को पानी में उबाल कर उसके पानी को छान कर और उसमें चीनी मिलाकर पीने से दमा, खांसी और गला बैठने की जो समस्या होती है वो ठीक हो जाएगी। कैंसर की रोकथाम, शलगम में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स के उच्च स्तर के कारण ये कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण ये कैंसर के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अपने दैनिक आहार में इस सब्जी का समावेश कर स्तन कैंसर के जोखिम के साथ साथ मलाशय और ट्यूमर को भी कम करने में मदद करता है। मधुमेह यानी शुगर, मधुमेह के रोग में रोजाना शलगम की सब्जी खाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए शलगम में मौजूद वाइटामिन ए के कारण ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। ये गुण हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों से रोकने में मदद करता है। शलगम फोलेट का भी एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, जो कि हृदय प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। अंगुलियों की सूजन, 50 ग्राम शलगम को 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। फिर उस पानी में हाथ पैर डालकर रहने से अंगुलियों की सूजन खत्म हो जाती है। हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद, कैल्शियम और पोटेशियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण शलगम स्वस्थ हड्डियों के विकास और रखरखाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शलगम का सेवन नियमित रूप से करने से हड्डियों के टूटने, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे और रूमेटिक गठिया की समस्याओं को भी रोका जा सकता है। पेशाब रुक रुक कर आना, शलगम और कच्चे मूली को काटकर खाने से पेशाब का रुक रुक कर आना और अन्य समस्याओं को भी दूर करता है। फेफड़ों के स्वास्थ्य में लाभदायक, सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला कार्सिनोजेनेस शरीर में वाइटामिन ए की कमी के कारण नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों की सूजन, एम्फिसेमा, वातस्फीति और अन्य फेफड़े की समस्याएं हो सकती हैं। शलगम में निहित वाइटामिन ए इस कमी को दूर करके फेफड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो ये थे दोस्तों शलगम के फायदे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। आपकी प्रॉब्लम हमारा सोल्यूशन। मैं फिर लौटूंगी एक नए नुस्खे के साथ, ताकि आप अपनी परेशानियों को दूर कर सके। तब तक के लिए जय हिंद। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।